रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई है और रिया चक्रवर्ती के गिरफ्तार होने के बाद से जिस हिसाब से 25 सेलिब्रिटी का नाम आ रहा है सामने, ये एक बड़ा मामला है जो रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई है। हमारे सामने हमारे पैनल में हमारे दो पत्रकार मौजूद हैं। मिर्जा साहब, क्या लगता है जिस हिसाब से रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई है और कई सेलिब्रिटियों का सामने नाम आने वाला है, ये खुशी की बात है, खुशी की लहर दौड़ रही है लोगों में। और ये 25 जो सेलिब्रिटी है इसमें कौन कौन नाम है? इसमें नाम बहुत सारे लोग हैं, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, ये सब, सलमान खान का भी नाम हो सकता है जी, महेश भट्ट का भी नाम हो सकता है जी, बहुत सारे लोगों का नाम उजागर हो रहा है और ये बहुत बड़ा विस्फोट मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आने वाला है, क्लीनिंग की ओर जा रहा है। विक्रम जी क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से लगातार कई महीनों से रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह के मामला जो है प्रकाश में था, मीडिया रिपोर्ट लगातार कर रही थी, जांच एजेंसियां भी लगातार लगी हुई है, पूछताछ लगातार जारी है, जिस तरीके से 25 सेलिब्रिटी का नाम सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती 25 नाम जो हस्ती है उसका खुलासा किया है कि वो ड्रग मामले में शामिल थे, ये बड़ी खबर हो सकता है। उजागर क्यों नहीं हो रहा है, नाम क्यों नहीं उजागर हो रहा है? इसलिए क्योंकि जब तक पूरी जांच कंफर्म नहीं होती है तब तक जांच को अवरुद्ध नहीं होता है। क्या पूरा बॉलीवुड जो है इस तरीके से इसमें मुलविस होगा, क्या पूरा एक रिन्यूअल हो सकता है पूरा? ये बॉलीवुड को साफ करने का ये पूरा जो है मुहिम चल रहा है जी, एक मुहिम चल रहा है। बहुत जमाने से बॉलीवुड में एक ऐसी सड़ांध, एक ऐसी गंदगी फैली हुई थी। तो क्या लगता है कि SSR के मौत के बाद इस तरह का पूरा बॉलीवुड में पूरा एक भूचाल आ गया? इससे तो ये पता चल रहा है कि बॉलीवुड में नशे का कारोबार बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है, या यूं कहा जाए कि बॉलीवुड पूरा नशे पे ही डिपेंड है। क्या लगता है? 7:30 बजे रिया चक्रवर्ती की मेडिकल रिपोर्ट कराई जाएगी, मेडिकल रिपोर्ट के बाद हो सकता है कि पुलिस कस्टडी में रिया चक्रवर्ती को लिया जाए और सघन तरीके से पूछताछ किया जाए, ताकि और भी बातें जो सामने आ रही है या नहीं आ रही है वो बातों का खुलासा हो सके। क्योंकि पिछले कई महीने से हर कोई चाह रहा है कि सुशांत की मौत कैसे हुआ, आखिर क्या रहस्य इसमें, ये मामला थोड़ा कौन दिख रहा है, सुशांत कैसे मरा जी, ये सामने नहीं आ रहा। लेकिन मामला क्या होने वाला है, क्या परत दर परत खुलने वाला है? अभी तो ड्रग्स का कनेक्शन आया है, अभी ड्रग्स का कनेक्शन चल रहा है। सबसे बड़ी बात हम ये पूछना चाहते हैं, ये जानना भी चाहते हैं कि सुशांत की मर्डर मिस्ट्री में का मामला अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन लगता है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी बहुत कुछ कह रही है, क्योंकि एक नेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिया चक्रवर्ती ने आकर कहा था कि ड्रग हम नहीं लेते हैं, हमारी जांच हो सकती है, कभी भी हम तैयार हैं। और आज जो जिस तरीके से गिरफ्तारी किया गया है वो ड्रग मामले में गिरफ्तारी किया गया है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रिया चक्रवर्ती पर कुछ ना कुछ उस तरीके के रिपोर्ट सामने जरूर आए हैं जिसके बाद गिरफ्तारी किया गया है। 7:30 बजे मेडिकल रिपोर्ट कराया जाएगा, उसके बाद हो सकता है पुलिस कस्टडी में फिर से लिया जाएगा। 15 दिनों के बाद मेडिकल में नहीं आता है कुछ, अगर आप ड्रग्स लेते हैं तो 15 दिनों के बाद आपके शरीर से कुछ नहीं मिलेगा, 15 दिन पहले अगर आपने लिया है तो, अगर इधर लिया है तो उसमें सिंडिकेट हो जाए। मिर्जा साहब, जिस तरीके से सुबह में बॉडी इंप्रेशन देखा जा रहा था उससे कहीं नहीं लग रहा था कि रिया चक्रवर्ती में थोड़ा भी घबराहट है, साफ देखा जा रहा था कि क्या लगता है कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर ऊपर से भी कोई बड़ा हाथ हो सकता है रिया चक्रवर्ती के ऊपर? बिल्कुल, जो 50,000 का बॉडीगार्ड रख रही है जी, जिसके पास EMI भरने के लिए 17,000 रुपया नहीं है महीने का, 50,000 रुपए का बॉडीगार्ड कहां से रख रही है? देखिए, ये आरोप तो लगातार लग रहा है कि राजनीति हो रही है और राजनीति हो भी रही है, क्योंकि जांच लगातार 6 महीने तक जाती है, 1 महीने तक कोई केस नहीं होता है, सुसाइड है, हत्या है, इसकी जांच नहीं होती है। सारा मामला जब राजीव नगर में केस होता है उसके बाद प्रकाश में आता है, बिहार पुलिस उसमें संज्ञान लेती है, बिहार के DGP माननीय गुप्तेश्वर पांडे इसमें संज्ञान लेते हैं, उसके बाद सारी कार्रवाई शुरू। ये कौन, अभी तो सुशांत का मर्डर है, ये कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है, कैसे मर्डर हुआ, किसने मर्डर किया, ये अभी नहीं आ रहा है प्रकाश में, अभी सिर्फ ड्रग्स कनेक्शन आ रहा है अभी, और इसमें 25 सेलिब्रिटी का नाम। तो क्या लगता है कि जब वो 25 सेलिब्रिटी का नाम सामने आएगा तो बॉलीवुड की क्या कहानी रहेगी? जैसे देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है वो हत्या है या फिर सुसाइड है, या तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि सुशांत सिंह मामले से जो खुलासे हो रहे हैं वो बॉलीवुड को शर्मनाक करने वाली है। आखिर 25 बड़े हस्ती जो कि ड्रग लेते थे उनका डायरेक्ट कनेक्शन था, जो कि रिया चक्रवर्ती दावा की है और खुलासे में पता चला। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद से क्या लगता है कि वो जो बड़ी हस्तियां हैं वो भी डोल चुकी होगी? नहीं, राजनीति होगी, राजनीति और गरमाएगी, क्योंकि पहले जिस तरीके से चल रहा था कंगना रनौत सीधा कह रही थी कि यहाँ शिवसेना या फिर उद्धव सरकार पक्ष में राउत को भी, लेकिन एक तरह से राजनीति कहा जाए कि वो भी एक वाइस का जो सुरक्षा है। कंगना रनौत ने कहा था कि विक्की कौशल, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, इन लोगों का
तो इससे जुड़े हुए और भी सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, इसमें 25 का नाम अभी आया है। इन तीनों का नाम कंगना रनावत ने लिया था और कहा था कि टेस्ट कराया जाए। आपको बता दें कि कंगना रनावत का भी कनेक्शन हो सकता है, ये जो बताया गया उस लिस्ट रिया का जो नाम है तो वो मैच कराया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। शरद पाल जी, कंगना रनावत का भी जो है ड्रग कनेक्शन से जांच होगी, जो है मुंबई पुलिस का साफ कहना है, आज जिस तरीके से सामने बात आई है कि कंगना रनौत से भी बात होगी और उसमें पूछताछ किया जाएगा कि उनका ड्रग कनेक्शन क्या है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो हमलावर रही है और 22 श्रेणी की सुरक्षा मिल जाना, या कहीं ना कहीं लेकिन एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई है। लेकिन गिरफ्तारी का मोटो अभी क्या है, क्योंकि वो ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी, पच्चीस सेलिब्रिटी का नाम एक इम्पोर्टेंट, एक अहम बात है, क्योंकि जिस हिसाब से रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई है और 25 सेलिब्रिटी का जो नाम आ रहा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। सरब जी, अब एक बात इसमें और आ जाता है कि अब सीबीआई कैसे पूछताछ करेगी, आज गिरफ्तार हो गई है रिया चक्रवर्ती, अब उसे कोर्ट जाना होगा, कोर्ट जाने के बाद उसे फिर से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने के लिए समय लेना होगा, इजाजत लेना होगा। विक्रम जी, वो सारे चीज होंगे, वो सारे पर्चे खुलेगी, सीबीआई भी करेगी, एनसीबी भी करेगी, आईडी भी करेगी, सब एक साथ एक टीम बनकर काम कर रही है। आज इसमें बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, मुंबई का जो सलाम है वो बिल्कुल खत्म होने वाला है। यानी कि बॉलीवुड के अंदर जितनी भी गंदगी फैली हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज सुशांत सिंह को जो लोग चाहने वाले थे उनके चेहरे पर साफ खुशी झलक रहा है। हम लोगों को जिस तरीके से वीडियो मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, उसमें साफ लग रहा है कि उनके चाहने वालों को एक उम्मीद जग गई है कि हमें न्याय मिलेगा। उनकी बहन ने यह ट्वीट भी किया है कि भगवान पे भरोसा है और हमें न्याय मिलेगी। तो यानी कि यूं कहा जाए कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद से बॉलीवुड के जो बड़े 25 हस्तियों के नाम आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा मामला सामने आएगा। वक्त आपके सामने है और वक्त के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं। अब आगे देखना है कि इस पूरे मामले में क्या होता है।